नमस्कार, मेरा नाम विनित सिन्हा है और मैं एज अ लेक्चरर काम कर रहा हूँ IHM रांची में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स की जो 100% गारंटी देता हो जॉब की। तो 100% जॉब गारंटी अंडर ग्रेजुएट कोर्स से बात करने से पहले हम थोड़ा बात करेंगे स्कूलिंग के ऊपर। 10th क्लास पास करने के बाद जो बच्चे होते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जिनका शॉर्ट टर्म गोल होता है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है, वो 10th पास होते हैं और उसके बाद किसी भी स्ट्रीम से वो 11th 12th कर लेते हैं। दूसरे जो बच्चे होते हैं उनके पास लॉन्ग टर्म गोल होता है और उन्हें पता होता है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद उन्हें क्या करना है और उसके बेसिस पे वो अपने स्ट्रीम डिसाइड करते हैं। अब स्ट्रीम डिसीजन की अगर मैं बात करूं तो जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेता है वो ये सोचता है कि 12th के बाद वो इंजीनियरिंग परस्यू करेगा और इंजीनियर बनेगा। जो बच्चा PCB परस्यू करता है, बायोलॉजी परस्यू करता है, वो एम्स और AFMC की तैयारी करता है और उसके बाद डॉक्टर बनने का सोचता है। जो बच्चा कॉमर्स परस्यू करता है वो CA बनने का सोचता है और जो बच्चा आर्ट्स परस्यू करता है वो ग्रेजुएशन करने का सोचता है आर्ट्स में और प्रिपरेशन करता है UPSC का और IAS बनना चाहता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का भारत एक बदलता हुआ भारत है और बदलते हुए भारत के साथ आज के युवा पीढ़ी का सोच भी बदल रहा है। तो आज का युवा ये सोचता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा कोर्स करें जिस कोर्स के साथ कंप्लीट होते होते, उस कोर्स को कंप्लीट करते करते उनके हाथ में एक जॉब हो और कंप्लीट करने के तुरंत बाद वो जॉब और अपने प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएं। तो आज हम बात कर रहे हैं वैसे ही किसी कोर्स के। तो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे आपने मैथ्स से अपना प्लस टू किया हो, चाहे आपने बायोलॉजी से किया हो, चाहे आपने आर्ट से किया हो, चाहे आप कॉमर्स से किए हो, आपके पास एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसे आप परस्यू कर सकते हैं और आपको गारंटी है कि आपके पास जॉब होगा। उस कोर्स का नाम है होटल मैनेजमेंट। वैसे तो होटल मैनेजमेंट का अवेयरनेस भारत में अभी भी कम है और अगर मैं बात करूं आज से 10 साल 20 साल पहले तो होटल मैनेजमेंट का मतलब होता था कि होटल मैनेजमेंट परस्यू करके आप होटल में काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि एक अपेक्स बॉडी है फॉर ऑल द IHMs, वो एक कोर्स रन करता है जिसे हम बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये वर्ड हॉस्पिटैलिटी बोलते ही इसका मीनिंग ये होता है कि अतिथि देवो भव। कहने का मीनिंग ये है जहाँ पर भी कस्टमर रिलेशन है वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी है और जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी है वहाँ पर हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्लेस्ड होते हैं। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो, चाहे वो होटल्स हो, जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर हमारे बच्चे प्लेस्ड होते हैं। अगर मैं IHM रांची की बात करूं तो IHM रांची में अभी पहला बैच पास आउट हुआ है और हमारा 100% प्लेसमेंट हुआ है। हमारे बच्चे इंडिया के होटल्स में प्लेस्ड हुए हैं। अगर मैं होटल्स के नाम बताऊं तो हमारे बच्चे रोजियट में प्लेस्ड हुए हैं, हमारे बच्चे ITC में प्लेस्ड हुए हैं, हमारे बच्चे JP ग्रुप्स में प्लेस हुए हैं, इवन हमारे बच्चे इंटरनेशनली प्लेस्ड हुए हैं। दे आर प्लेस्ड इन कतार। हमारे बच्चे कतार में सी लाइन रिजॉर्ट, बीच रिजॉर्ट है जो कि अब उर्बाब ग्रुप का है, वहाँ पर प्लेस्ड हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि IHM रांची का इंटरनेशनल कोलाब्रेशन भी है। हमारा कोलाब्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में Eisenhower होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर है, Aspire होटल एंड स्वीट्स है, ऑल स्टार स्पोर्ट्स एंड इवेंट कॉम्प्लेक्स है और स्टे ब्रिज रिजॉर्ट्स है IHG ग्रुप का। ये सारे होटल्स पेंसिल्वेनिया में हैं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की बात करूँ तो यूनाइटेड किंगडम में एक एसोसिएशन है नेम्ड एज बाहा बर्नमाउथ एरिया होटल एसोसिएशन। सो बर्नमाउथ इज अ प्लेस। बर्नमाउथ के पास बर्नमाउथ हो गया, क्राइस्ट चर्च हो गया, पूल हो गया, यहाँ पर जो होटल्स हैं उनका IEA इंटरनेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन के थ्रू यूथ मोबिलिटी स्कीम के तहत 2 ईयर्स का वर्क वीज़ा पे हम भेजते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज या कोई भी एजेंट चार्जेस नहीं होते हैं। जस्ट हमारे बच्चों को अपना टैलेंट शो करना होता है, दे हैव टू क्रैक देयर इंटरव्यू एंड दे कैन बी इंटरनेशनली प्लेस्ड। अगर मैं बात करूँ रिटेल सेक्टर की तो रिटेल सेक्टर में हमारे अभी करंट बैच के बच्चे रिलायंस में प्लेस्ड हुए हैं। दे आर प्लेस्ड इन EG डाइनर्स, दे आर प्लेस्ड इन SSIPL जो कि पूमा और लोटो जैसे कंपनीज हैं वहाँ पर वो काम करेंगे, PVR में काम कर सकते हैं। सो दे आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन। हमारे करंट बैच जो कि 26 अप्रैल को लास्ट एग्जाम दिए,
अपना सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम एंड दे आर जम्प्ड इनटू देयर प्रोफेशनल लाइफ और सेकेंड ऑफ मे को उन्होंने अपना प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल करियर होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में शुरू कर दिया है। तो आज आपके पास एक ऑप्शन है कि आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आ सकते हैं और गारंटी है कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास जॉब होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कम जॉइन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। थैंक यू।